नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कुशीनगर जिले में मीडिया के प्रति अधिकारियों का नजरिया बेहद ही शर्मनाक है। बताते चलें कि 24 सितंबर को प्रधान संपादक किताबुद्दीन खान के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कस्या अभिषेक पांडे ने बुलाकर तहसील सभागार में तू तड़ाक करते हुए अपमानित कर दिया था, जिसके बाद आक्रोशित दो दर्जन से ज्यादा पत्रकारों ने गांधी चौक कस्या पर इकट्ठा होकर संपादक के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। प्रधान संपादक ने कहा कि ये अपमान मेरा नहीं बल्कि देश के चौथे स्तंभ का अपमान है और इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल कर पत्रकारों के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। मैं उनके आदेश के पालन में तहसील कस्या में पहुंचा। लेखपाल द्वारा ऊपर सभागार में लोगों को उपस्थित कराया गया था, वहां अंदर ले जा करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया और उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हमें हरी भीड़ में पीछे खड़ा कराते हुए डांटता डपटा गया और मेरी पत्नी के नाम पर हमें वहाँ काफ़ी डांटते डपटते हुए काफ़ी बेइज्जत और अपमानित किया गया लाल पीला होकर के, और डांट डांट के कहा गया कि जल्दी यहाँ से भाग जा भाग जा। अगर मैं भागा नहीं होता तो हमारे साथ या मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी कोई भी कार्रवाई हमारे ऊपर कर दिया होता। आज यह मीडिया के लोगों के प्रति, इस अधिकारियों के प्रति कितना गंदा नजरिया का अंदाजा कोई भी नहीं लगाया जा सकता है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय और तमाम नेतागण कहते हैं कि मीडिया को ध्यान में हित ध्यान में रखा जाए और उनको एक से एक प्राथमिकता के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाता है, लेकिन एक तरफ उनके ही अधिकारी इस तरीके से पत्रकार लोगों को और समाज का चौथा स्तंभ मीडिया के प्रेस के प्रधान संपादक और हमारे पत्रकारों के साथ इस तरीके से शर्मनाक व्यवहार करते में इन्हें शर्म भी नहीं आती है कि मैं समाज के चौथा स्तंभ के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूँ। इस देश को दशा ये कहाँ ले जा रहे हैं, इन नौकरशाहों से ही इसका अंदाजा लगा करके और इनसे पूछा जा सकता है और इनसे बयान लिया जा सकता है। इसके संबंध में मैंने वहाँ वीडियो बना लिया किसी तरीके से और वीडियो आज 4 दिन से वायरल कर रहा हूँ, लेकिन इतना मनगढ़ंत अधिकारी है कि इसके ऊपर उस वीडियो का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पता नहीं इसको कहाँ से किसका सहयोग। आगे जो है हम जानते हैं कि इनके ऊपर योगी सरकार का विशेष संरक्षण प्राप्त है जिसके सह पर इन्होंने ऐसा काम किया है। मैं इनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करके अपने न्याय के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि पत्रकारों के सम्मान में माननीय उच्च न्यायालय से कम न्याय मिल जाए। अगर पत्रकारों के साथ ऐसा होता रहा तो आम जनता के साथ क्या होगा, इसका भविष्य लोग अंदाजा इसका लगा सकते हैं।